लोकसभा चुनाव 2024 की राह जो है वो काफी ज्यादा आसान जो है वो होने वाली है। सरकार के मकसद ने लोगों ने बदलाव किया, तानाशाही और अहंकार से जो डूबी हुई सरकार थी लोगों ने उनको आईना दिखा दिया। अब बदलाव होगा और जम्मू कश्मीर में भी जहाँ जहाँ पर भी चुनाव होंगे। उनको जवाब है जो कहते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा का असर देखने को नहीं मिला। ये उनको जवाब है जो देवी देवताओं को इस्तेमाल करते थे, आज बजरंगबली ने दिखा दिया, उन्होंने सच का साथ दिया और अहंकार की लंका तोड़ दी। कहते थे कि भाजपा के साथ बजरंगबली का आशीर्वाद है, यहां हिंदुस्तान में ब्यूरोक्रेसी को चलाते थे, ये बोलते थे कि देवी देवता भी इनके कहने पे चलेंगे। देवी देवताओं ने पूरा साथ दे दिया और कांग्रेस को चुन के भेजा और हिंदुस्तान में लोकसभा में भी कांग्रेस को ही चुन के लोग भेजेंगे। 24 की राह कितनी आसान है? कांग्रेस के लिए आसान है, भाजपा के लिए कोई आसान नहीं। साफ तौर पर कांग्रेस के लिए 2024 की राह जो है आसान है, वहीं भाजपा की मुश्किलें जो है वो बढ़ सकती हैं, क्योंकि कर्नाटक चुनाव बहुत ज्यादा अहम यहां पर रहने वाला है राजनीति के लिहाज से। वकार साहब, एक बार फिर से बढ़त आपकी, हिमाचल के बाद एक और जीत जो है कांग्रेस की, कैसे देखो? कांग्रेस पार्टी ने जो क्या कहते हैं जीत हासिल की, ये राहुल गांधी जी को सहरा जाता है। राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की और उसका इम्पैक्ट दिखता हुआ नजर आता है। बीजेपी क्या करती थी, 5 साल ना रोजगार देती थी, महंगाई बढ़ाती थी, गरीबों को डेली वेजरों को दर बदर करती थी, आंगनवाड़ियों का तनख्वाह नहीं उन्होंने बढ़ाया, सब कुछ वो गलत करते थे। लास्ट में वो हिंदू मुसलमान पोलराइजेशन बजरंग बली वो ये सारे मुद्दे उठाते केरला स्टोरी का मुद्दा तो खुद प्रधानमंत्री ने उठाया, केरला स्टोरी केरला स्टोरी भी उन्होंने इलेक्शन के लिए लाई थी, लेकिन उसमें भी वो फेल हो गए। ये राहुल जी का ही भारत जोड़ो का असर था, जो उन्होंने लोगों को मैसेज दिया कि आपको जुड़ना चाहिए, आपको बिगड़ना नहीं चाहिए, और लोग जुड़े रहे, वो बिगड़े नहीं, वो बीजेपी की गलत पॉलिसियों की तरफ नहीं। प्रधानमंत्री कहते थे कि मुझे गालियां बहुत दी जाती हैं कांग्रेस की तरफ से, उसको अच्छा जवाब प्रियंका जी ने दिया। तस्वीरें दिखाने के लिए काफी है किस प्रकार जो है यहाँ पर जश्न का माहौल है और भाजपा का खेमा मायूसी से भरा हुआ है, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री चुनाव के प्रचार के लिए चुनावी मैदान में उतरे थे और स्टार प्रचारक के रूप में प्रधानमंत्री को चेहरे को सबके समक्ष रखा गया था। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी, अमित शाह भी, इसी तरह से भाजपा की पूरी तरह से नेतृत्व करने वाले महत्वपूर्ण चेहरे हैं वो चुनाव प्रचार के लिए उतरे थे चुनावी मैदान में। लेकिन ये बहुत दिलचस्प बात है कि जहां लगातार कांग्रेस 40% कमीशन वाली सरकार की बात कर रही थी और जहां भाजपा जो है बजरंग बली की बात करते हुए बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाते हुए उसका विरोध भी कर रही थी, वहां कर्नाटक की आम जनता ने ना तो बजरंग दल के उस मुद्दे को चुना, ना तो केरला स्टोरी के मुद्दे को चुना, चुना तो 40% कमीशन वाली सरकार के मुद्दे को, महंगाई को और बेरोजगारी को। देखना दिलचस्प होगा साल 2024 का लोकसभा चुनाव कितना दिलचस्प होता है, क्योंकि हिमाचल के बाद एक और जीत कांग्रेस के पाले में कर्नाटका के रूप में। आप भी हमारे साथ बने रहिए, देखते हैं विश्व जम्मू सुहाना।